आपका स्वागत है हमारी यूपी लाइव 100 न्यूज पर। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। चलिए बढ़ते खबरों की तरफ। बालू माफिया गुंडाई के बल पर खेत से खोदते हैं बालू। मामला उत्तर प्रदेश के बांदा जिला से। बांदा बालू माफियाओं को अब इतना अधिक आतंकवाद हो गए हैं कि वो गरीब किसानों के खेतों से गुंडाई दिखाते अवैध खनन कर रहे हैं। नरेनी कोतवाली क्षेत्र का डिसोरा गांव के निवासी कल्लू पुत्र जगदेव ने जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर कहा कि वो गरीब किसान है। काटक संख्या 0107 रकबा 0376 मौजे का वो मालिक है, लेकिन वो बालू माफिया बंदूक दिखाकर गुंडाई करते हुए खेत से अवैध बालू खनन कर रहे हैं। रोकने के लिए कई बार उप जिलाधिकारी नरेनी तथा कई बार थाना प्रभारी को आवेदन दे चुकी है, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। लेखपाल द्वारा खेतों की नाप जरूरी की गई। बालू माफियाओं के खिलाफ अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। बांदा से अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। कल्लू कहाँ के रहने वाले हो? क्या समस्या है? समस्या हमारी यह है कि हम गरीब आदमी है, हमारी कोई सुनाई नहीं दे साथ। सरकार के लगे आए जो कोई सुन रही तो सुन रही। तो क्या समस्या है, किस तरह की समस्या हो रही है? हमारी खेत में खुदान हो रही है जबरदस्ती। कौन लोग कर रहे हैं? अहिल लोग। क्या नाम है उनका? गंगा जी चिड़िया। तो कितना खेत है आपका जो खुदान कर रहे हैं? एक एकड़। एक एकड़। किसी अधिकारी शिकायत की थी आपने? क्या हुआ, कोनो कार्रवाई की? क्या हुआ अभी तक? क्या हुआ, खेत पर गए तो हम तो रोटी पट्टा दे के चले आए। क्या कोई कार्रवाई नहीं की है? कितना नुकसान हो रहा है आप लोगों को? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आए? क्या समस्या है तुम्हारी? सर हमारे खेत की बालू निकालते हैं सर, वो है समस्या। कौन लोग निकाल रहे हैं? गंगा दीन राम धन, वो गंगा दीन और टिहिया और माता दीन राजा बाबू और राम किशोर। केस के पहले कभी आपने शिकायत की है? जी सर, नारायणी थाने में की थी। कोई सुनवाई हुई? जी सर, वहाँ कोई सुनवाई नहीं। अब आप किसके पास आए हैं शिकायत करने के लिए? सर एस पी साहब के पास आए हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको